गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार डांगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। अच्छा, लेसन नंबर 4 हमारा डिटरमिनेंट्स मतलब सारणी, सारणी ये पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इस डिटरमिनेंट्स का क्या मतलब है? क्योंकि हमने इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो थी हमारी आव्यूह मैट्रिक्स सारणी। उसमें हमने सारणी के बारे में अच्छे से पढ़ा और ये पता लगाया कि सारणी जो है वो होता क्या, सॉरी मैट्रिक्स क्या होता है ना। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने मैट्रिक्स में, उसका नाम था वर्ग आव्यूह, या फिर ये कहें कि वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह पढ़ा था हमने, वर्ग आव्यूह। इस वर्ग आव्यूह को हमने इम्पोर्टेंट बताया था वहां पे। क्यों बताया था? क्योंकि हमें ये सारणी अगली वाली प्रश्नावली पढ़नी थी, सारणी। अच्छा, ये वर्ग आव्यूह, इसके बारे में एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ है ना और पंक्ति कैसी हो, समान। अगर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह जब आपको समझ में आ गया कि स्तंभ और जो पंक्तियां हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अब वर्ग आव्यूह होते हैं 1/1 के, 2/2 के, ऐसे ही तो लिखते हैं क्रम को, है ना। फिर 3/3 के, बस इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में है 4/4, 5। तो 1/1, 2/2, 3/3 के वर्ग आव्यूह होने पड़े हैं। कौन सी एक्सरसाइज में? 3 एक्सरसाइज। अब हमारे पास चौथी एक्सरसाइज है सारणी, डिटरमिनेंट्स, है ना। ये क्या होता है? तो देखो, ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारी इस वर्ग आव्यूह पर टिकी हुई है। अगर आपको वर्ग आव्यूह अच्छे से समझ में आया है तभी हमें सारणी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ना। सारणी में से आसान सा सवाल आता है। अब आप देखिए ध्यान से कि जब मैं ये बता रहा हूं आपको कि वर्ग आव्यूह ना इंपॉर्टेंट है सारणी के लिए, तो सारणी की परिभाषा क्या है? देखो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान, आव्यूह का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है, सारणिक कहलाता है। समझ में आया? वापस से सुनो ध्यान से। प्रत्येक वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान, अगर मैं किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान निकालूं तो वो हमारा सारणिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सारणिक, ठीक है। ये सारणिक या डिटरमिनेंट्स कहेंगे उसको। समझ में आया? तो सारणिक जो बेसिकली है वो एक वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान होती है। क्या होती है? संख्यात्मक मान, है ना। अगर हमारे पास AAIJ कोई एक आव्यूह है, ये आव्यूह है m क्रॉस m, ठीक है, और m क्रॉस m लगा लो, अगर वर्ग आव्यूह में कह रहा हूं तो इसे कहेंगे वर्ग आव्यूह। तो a बराबर AIJ एक वर्ग आव्यूह है ना। अब इसका जो सारणिक है AIJ के सारणिक, तो इसके सारणिक को हम a डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे लिख लेते हैं, या a के ऊपर सारणिक का निशान लगा लेते हैं। इससे व्यक्त कर, से व्यक्त कर, अगर आपके पास कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है तो इसके सारणिक को या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट कर दिया अंग्रेजी का डिटरमिनेंट ऑफ ए, या A के ऊपर सारणिक। ये सारणिक का सिंबल है, ना कि मापांक का। देखो, मोड़ का भी यही सिंबल होता है, लेकिन यहाँ जब हम आव्यूह में पढ़ते हैं इसे, तो इसे कहते हैं सारणिक का सिंबल। क्या कहते हैं? सारणिक का सिंबल। तो ये हमारा सारणिक का सिंबल है। ये आव्यूह कहाँ सारणिक का सिंबल कहलाया गया? सारणिक में, ठीक है। तो ये सारणिक है, इसे पढ़े हैं सारणिक ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक ही बात। तो ए से व्यक्त करते हैं ना, तो इससे व्यक्त करते हैं। मान के चलो आपके पास कोई एक वर्ग आव्यूह है ए बराबर है ना 2, ये आपकी एक वर्ग आव्यूह है, तो मुझे इसका सारणिक बताना। तो जब मैं इसका सारणिक बनाऊंगा तो ए का सारणिक कैसे लिखूंगा, और बराबर में लिखूंगा 2 का सारणिक। मैंने देखो आव्यूह को सारणिक में बदल दिया। आव्यूह के लिए आप बड़े ब्रैकेट को उपयोग में लेके आते हैं, ठीक है, या कोई सा भी ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन जब हम सारणिक यूज करते हैं उसका, सारणिक बनाते हैं, तो उस ब्रैकेट को हटा के ये सारणिक का निशान लगा देते हैं। तो ये जो 2 सीधे डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारणिक के निशान है। किसके निशान है? सारणिक के। समझ में आया आपकी? चलो नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर है, देखो ये आव्यूह, इसे आप क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। ये आव्यूह है, वर्ग इसलिए क्योंकि 1/1 का है, और ये सारणिक। तो दोनों में देखो डिफरेंट क्या है। देखो, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, लेकिन सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह का ही बनेगा, ठीक
ठीक है, आवयु का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, सारणिक का एक पर्टिकुलर संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। आप है ना, जब आवयु के रो और कॉलमों को आपस में बदल देते हैं तो एक नया आवयु प्राप्त होता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में जब आप रो और कॉलमों को बदल लेते हैं तो सारणिक नहीं बदलता, उसका मान सेम रहता है। इन चीजों को हम आगे जब सारणिक पढ़ते रहेंगे तो उसके गुणधर्मों में यानी इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप केवल इतना सा समझे, तीन डिफरेंस है दोनों में, वापस से सुन ले। नंबर एक कि आवयु किसी भी क्रम का हो सकता है, पर सारणिक वर्ग क्रम का होगा बस, ठीक है, वर्ग आवयु का ही बनेगा। दूसरा, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, इसका संख्यात्मक मान होता है ना। और तीसरा, इसके रो और कॉलमों को बदलने पर आप नया आवयु प्राप्त करेंगे, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। तो ये कुल मिला के आपकी सारणिक की परिभाषा थी कि सारणिक वर्ग आवयु का संख्यात्मक मान कहलाता है, ठीक है। ये मान कैसे निकालते हैं वो बाद में सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन हमें बस केवल इसकी परिभाषा, क्योंकि हालांकि कभी कोटेशन पूछी नहीं जाती पेपर में, फिर भी कभी कभी कोई लाइन पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए ना। जैसे अभी इस साल के पेपर में एक सवाल आ गया था कि व्युत्क्रमणीय आवयु किसे कहते हैं, तो हम पांचवी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो अगर एक बार ध्यान से इन्हें समझ लें कि कौन सी चीज क्या होती है, रटने की जरूरत नहीं होती है ना। अब इसे रटने थोड़ी बैठेंगे, एक लाइन लिखनी है, सीधी सी बात, मीन्स तो वही निकलेगा। तो चलो, मुझे ये समझ में आ गया कि सारणिक होता है वर्ग आवयु। वर्ग आवयु अभी समझाया मैंने, वर्ग आवयु का क्या संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। तो अब सारणिक के बारे में मैंने बताया कि अगर एक अरब का वर्ग आवयु है तो इसके सारणिक को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे ए से, और मैं इसी का सारणिक लिख दूं तो इस तरह से ए का सारणिक बराबर हो जाएगा ए आई जे सा, ये सारणिक, ठीक है। बस सारणिक के लिए आपको बड़े ब्रैकेट हटा के दो सीधे डंडे लगा देना, यानी सारणिक का निशान लगा देना है, ठीक है। अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं, अब सीखेंगे हम सारणिक का मान ज्ञात करना। ये सारणिक का मान कैसे ज्ञात करना, तो देखो सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक का मान ज्ञात करना, ये मान कैसे ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करना ये सीखेगा ना आपने, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी प्रश्नावली में आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, है ना। हालांकि चार नंबर की एक्सरसाइज है, तीन नंबर का एक सवाल आएगा, एक नंबर का एक सवाल आएगा, तीन नंबर में आपको सारणिक के गुणधर्म का ही सवाल आएगा 101%, ठीक है। और जब आप एक नंबर का देखेंगे तो मान मान ज्ञात करना आ जाएगा इसका, तो मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है। जब आप सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है इसके जो प्रॉपर्टीज है, उसमें भी आपको मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान ज्ञात करना सारणिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने सीख लिया, प्रश्नावली आपकी लगभग, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिए, नंबर एक, नंबर एक सीखेंगे हम। देखो हमने अभी कहा ना वर्ग आवयु, तो वर्ग आवयु हमने पढ़ा है 1/1 का, 2/2 का और 3/3 का, है ना। तो हम यहाँ क्रम से निकालेंगे सारणिकों के मान, 1/1 की, 2/2 की और 3/3, तो तीनों की 1/1 से सीखेंगे मान निकालना। तो पहले हम सीखेंगे 1/1 की वर्ग आवयु का संख्यात्मक मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1/1 यानी प्रथम कोटि की वर्ग आवयु का मान ज्ञात करना, प्रथम कोटि हो गई है ना, प्रथम कोटि इसलिए क्योंकि वर्ग आवयु इसलिए 1/1 को प्रथम कोटि मिले, तो प्रथम कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना, के सारणिक का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो देखो प्रथम कोटि के सारणिक का कैसे मान ज्ञात करना, मान के चलो ए बराबर एक ही अवयव है केवल, है ना, ए बस एक, तो मैं इसका सारणिक बनाऊंगा तो ए बराबर क्या कितना जाएगा, ए का सारणिक ए तो लिखेंगे। तो देखो प्रथम कोटि के जो भी वर्ग आवयु होते हैं उनका जो अवयव है वही उसका संख्यात्मक मान भी कहलाता है और वही उसका सारणिक हो जाता है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि इसका सारणिक आपको क्या प्राप्त होगा, ए का सारणिक, तो ए का सारणिक आपको प्राप्त हुआ ए। कहने का मतलब आप दोबारे से समझे कि प्रथम कोटि के सारणिक का जो मान है वो किसी भी 1/1 के वर्ग आवयु का जो अवयव है वही होता है, तो अवयव ही संख्यात्मक मान बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि a बराबर 2 एक अवयव है ना, वर्ग आवयु है 1/1 की, बताओ इसका डिटरमिनेट क्या होगा, तो मैं लिखूंगा a सारणिक बराबर, ये दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सीधा लिखो या दो के ऊपर डंडा लगा के फिर इसका मान दो, यानी 1/1 की सारणिक जब आपको मिलेगी तो 1/1 की सारणिक में जो अवयव है वही उसका संख्यात्मक मान कहलाएगा। ये सबसे आसान, जो लिख रहा है अंदर वही लिखो। अगर मेरे पास कोई आवयु ए है शून्य, तो इसका डिटरमिनेट कितना होगा, डिटरमिनेट ऑफ ए हो जाएगा कितना, शून्य। या फिर मैंने कहा ना डिटरमिनेट ऑफ ए से व्यक्त कर दो या ए के ऊपर सारणिक लगा के,
तो इसका मान कितना आएगा? शून्य। समझ में आया? अच्छा, तो वन बाई वन यानी प्रथम कोटि के सारणिक का मान आपको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, बस लिख देना है बस आप। समझ में आया सबके? अच्छा, वन बाई वन की तो आसान है, टू बाई टू का देखते हैं। द्वितीय कोटि के सारणिक का संख्यात्मक भाग, तो द्वितीय कोटि मतलब टू बाई टू का आवि, ठीक है, टू बाई टू का वर्ग, उसका मान कैसे निकालें? मान के चलो आपके पास a बराबर है a वन वन, a वन टू, ठीक है, a टू वन, a टू, ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर a वन b वन, a टू b टू, जैसे मर गया वैसे लिखो, है ना, तो मान है बस। अभी क्या बता रहे थे? द्वितीय कोटि की है ना सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैंने कहा मान के चलो आपके पास एक वर्ग व्यू ए इस प्रकार है ना, तो इसका सारणी हो जाएगा सारणी तो फिर बराबर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू, या ठीक है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये आपकी आर वन है, पहली रो है ना आर वन, इसका पहला अवयव कौन सा है? ए वन, तो पहला अवयव लिखेंगे ए वन, ठीक है। अब इसकी रो और कॉलम को हटाओ, तो इस अवयव की रो और कॉलम को हटाओ, क्या मिलेगा आपके पास? ए टू टू, इसका सारणिक मान। समझ में आया? दोबारा से ए वन वन जो आपको दे रखा है, इस अवयव को लिखेंगे और इस अवयव पे आने वाली रो और कॉलम को हटा देंगे, जो अवयव बचेगा उसका आप सारणिक मान, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, इसका दूसरा अवयव लिखेंगे, दूसरा अवयव कौन सा? ए वन टू। अब ए वन टू पर आने वाली रो और कॉलम हटा देंगे, कौन सा अवयव बचा? ए टू वन, ये सारणिक, ठीक है। देखो एक अवयव को हटाने पर जो अवयव बचेगा या सारणी बचेगी है ना, इस सारणी को यहाँ लिखेंगे, इसी तरह से ए वन टू के लिए लिख लिया आप, तो आपके पास क्या आया? ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन, क्यों? क्योंकि ये वन बाई वन की क्या हो गई? वन बाई वन की सारणी, और इसका संख्यात्मक मान तो खुद ही होगा, इसलिए मैंने ए टू टू लिख दिया, यहाँ ए टू वन लिख दिया। कुल मिला के आपके पता चला कि ये ए वन वन ए टू टू क्या होते हैं? वर्गावयव में विकर्ण के अवयव। तो देखो ये वर्गावयव में विकर्ण के अवयव हो गए, माइनस कर दिया जो विकर्ण के अवयव नहीं थे वो, देखो ए वन टू ए टू वन, ए वन टू ए टू वन, हुआ नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है जब हम द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो ज्ञात कैसे करना है, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट याद रखें कि विकर्ण के अवयवों को गुणा कर लें, ठीक है। विकर्ण के अवयव कौन से है? ए वन वन ए टू टू, और माइनस कर दें तो विकर्ण के अवयव नहीं है वो, ठीक है। या फिर ऊपरी विकर्ण माइनस निम्न विकर्ण या नीचे का विकर्ण, ऐसे भी लिख लेता है, पर ऐसे आप समझे ना, क्योंकि एक ही तो विकर्ण होता है मुख्य विकर्ण, तो निचला विकर्ण भी आप कह सकते हैं, तो ऊपरी विकर्ण माइनस निम्न विकर्ण, ऐसे भी लिख देते हैं। तो अब आप ये समझे कि ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन, तो यानी ऊपर के विकर्ण में से नीचे का विकर्ण घटा देना, ये समझ रहे हैं आप, इस तरह से इसका मान क्या है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास इन इसकी बजाय एक डिजिट में कोई सवाल हो कि आप इसका संख्यात्मक मान निकालें, 2110 इसका संख्यात्मक मान निकालें, वन है ना, तो इसका संख्यात्मक मान कैसे निकालेंगे? पहले दो को जीरो से गुणा करेंगे, दो इंटू में जीरो, फिर माइनस लिखेंगे एक इंटू में एक, ठीक है, तो दो इंटू में जीरो जीरो माइनस एक, कितना मान आया? माइनस एक। देखो मैंने पहले कहा कि ये जो निशान है वो आपका क्या नहीं है, मोड का निशान है, इसलिए इसका मान जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो मर्जी आए हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका मान ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैंने कहा केवल संख्यात्मक मान, तो अब जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, तो वो जो भी आए वो आपका मान होगा, वो आंसर होगा। अगर मेरे पास ए ये है सारणी ऑफ ए, तो सारणी ऑफ ए का मान कितना आया? माइनस ए, ठीक है। अगर दो सारणी होती है तो उसे बी का सारणी, सी का सारणी कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो अंडरस्टूड होगी। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आया कि द्वितीय कोटि का जब कोई आवयव आपको दे रखा है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहले दो में से ही क्या पहले विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे, माइनस जो विकर्ण के अवयव नहीं है उन्हें कर लेंगे, ठीक है, तो विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे, माइनस जो विकर्ण के अवयव नहीं है उन्हें गुणा करके घटा देंगे, आपको टू बाई टू का क्या मिल जाएगा? सारणिक। समझ में आया सबके? द्वितीय कोटि का एक और देख लो सवाल है ना, मेरे पास है एक है ना, दो, पांच और माइनस तीन, इसका मान ज्ञात करना, तो
मैं पहले इन दोनों की गुणा करूंगा, कितना आएगा माइनस के, फिर माइनस इन दोनों की गुणा कितनी हो गई, 5 × 2 = 10, तो माइनस के 13 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम सीखेंगे तृतीय कोटि। तो 1/1 का आसान था, 2/2 का आसान है, अब रह गया 3/3 का। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यही आता है हमेशा तृतीय कोटि या तृतीय क्रम के सारणी का मान ज्ञात करें, कैसे करें। तो अब तृतीय कोटि हो गई, इसका मतलब 3/3 का वर्ग अवयव होगा, जिसका आपको संख्यात्मक मान निकालना है। मान के चलो आपके पास ए एक सारणिक है जिसमें आपके अवयव है a1 b1 c1, a2 b2 c2, और a3 b3 c3। ठीक है, इसका सारणिक, अब इसका सारणिक कैसे निकालें। देखो यार, मैंने पहली रो इसमें पहला अवयव कौन सा है, a1, तो आप क्या लिखेंगे, a लिख दिया मैंने a1। फिर क्या लिखेंगे, मैंने कहा ना a1 के बाद रो और कॉलम पटर, जो a1 के ऊपर, यानी ये a1 है, मतलब ये 1-1 है, यानी पहली रो में पहला कॉलम, तो पहली रो में पहले कॉलम का अवयव जो मैंने लिख दिया, इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा देंगे, तो रो कौन सी आएगी r1, कॉलम कौन सा आएगा c1, हटा दो, जो बचेगा सारणिक वो लिख दो। एक तो बचा आपके पास b2 c2 b3 c3, समझ में आया। फिर ये अवयव हो गया, अब दूसरा अवयव लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस, तो दूसरा अवयव लेंगे माइनस और लिखेंगे b1। अब वापस से वही चीज की, b1 के ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटाओ, तो ये पहली रो हट जाएगी, दूसरा कॉलम हटेगा, क्या बचेगा, a2 c2, और यहाँ a3 c3। ये ध्यान देने वाली बात है, देखो जब आप रो और कॉलम को हटाएंगे इसी b1 की, तो रो कॉलम हटाएंगे तो a2 c2 a3 c3 की आपकी एक सारणी बच जाएगी, वो मैंने लिखी। इसी तरह से लास्ट कौन सा अवयव है, c3। अब प्लस करेंगे c1। देखो पहला अवयव लिखा मैंने प्लस, फिर माइनस, फिर चिन्ह को बदलते रहते हैं, क्रम से चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से क्यों चलते हैं ये सारणी पर समझाएं। अभी तो आप केवल इसका मान निकालना सीख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो c1 जो है वो लिख दिया मैंने, और अब c1 के ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा दो, तो क्या आएगा यहाँ, a2, यहाँ b2, यहाँ a3, यहाँ b2, आ गया समझ में। अब मुझे इसका मान तो पहले से पता है, a1 इसका मान पता है ना, विकर्णों के अवयवों की गुणा करेंगे, b2 c3 - c2 b3, या b3 c3, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं ना, b पहले आएगा और ऐसे लिख दो, चलो b3 c3। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस के b1, और यहाँ लिखेंगे क्या, a2 c3 - a3 c2, और प्लस के c1, a2 b3 - a3 b2। ये अब आपके समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। देखो आप द्वितीय कोटि के क्रम का अभी अभी हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं, पहले इसके विकर्णों की गुणा कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं जो विकर्ण के अवयव नहीं है, तो मैंने ऊपरी विकर्ण या निम्न विकर्ण कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, पूरा तीनों को खोल दिया, तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये कहलाएगा तृतीय कोटि के सारणिक का मान। तो ये मान इम्पोर्टेंट है कि कैसे निकालेंगे ध्यान रखेंगे आप। r1 के लिए मैंने लिखा है ना, a1 b1 c1 तीनों के लिए। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये r1 के अनुदिश ही मान निकाला, क्या मैं इसका मान R2, R3 के अनुदिश निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें देखो तीन रो है, 1, 2, 3, और तीन ही कॉलम है, तो इसके 3 और 3 6 तरीके से मान ज्ञात किया जा सकता है। इस मान को आप प्रसार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसार। तो जब आप प्रसार, अभी इसके बाद लास्ट में प्रसार ही पढ़ा देंगे कि ये प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रसार आप R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, तीनों के अनुदिश ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी तरह से C1, C2, C3 के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो मान ज्ञात करना है जो मैंने R1 के अनुदिश सिखाया है आपको, है ना। आप प्रसार जब करेंगे हम, तो प्रसार भी तो मान ही हो गया ना? उस मान को भी आप कितने भी तरीके से, छः के छः कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रसार करते हैं तो लिखते हैं कि हमने किस तरीके से प्रसार किया है, R1 के अनुदिश किया है, R2 के अनुदिश किया है, R3 के अनुदिश किया है ना। अब हम प्रसार, चल प्रसार भी बताएंगे सारी डिटेल, अभी तो केवल मान ज्ञात करना सीखो। जब भी आप मान निकालेंगे तो R1 के अनुदिश निकालेंगे, ठीक है। जब आपको प्रसार अच्छे से निकालना जाएगा तो फिर आप जब मर्जी आए जिस भी रो या कॉलम के अनुदिश कर सकते हैं। चलो मैं एक सवाल करता हूँ, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लेना, है ना। बुक खोल के देखोगे आपको सब चीज मिलेगी, एक बार ध्यान से उसे भी पढ़ लिया कर, क्योंकि बताया ना आजकल पेपर बड़े टफ आते हैं, कोई टॉपिक कहाँ से छूट जाए या फिर कोई टॉपिक कहाँ से आपने नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप सारे टॉपिकों को पढ़ें। तो देखो मेरे पास एक सवाल है, 2 1 3, है ना, 0 1 2 1 3 9, इसका सारणिक ज्ञात करो। तो मैंने अब देखो सबसे सिंपल तरीका, पहले क्या लिखेंगे, 2, पहला भी 2 है, अब 2 पे रो और कॉलम पटा देंगे, क्या बचेगा, 1 2 3 9,
मैंने लिख दिया 1 2 3, बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा वेव लेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, अब यहाँ प्लस था यहाँ क्या जाएगा माइनस, एक का एक लिखेंगे। अब वही एक पर आने वाली रो और कॉलम हटा दो, 0 2 1 9 लिखो, 0 2 1, ये समझ में आना चाहिए आपके। लास्ट अब यह 3 हमारा तो प्लस के 3 लिख दिया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। विपरीत चिन्ह क्रम से चलते चले जाते हैं। अब आप 3 के बाद रो और कॉलम देखिए हटा दे तो 0 1 1 और 1, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, 2 इन दोनों की गुणा करो, कितना आया 9 1 9 माइनस 3 9 6, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर माइनस का 1। अब रो और कॉलम गुणा करो, ये तो 2/2 का है तो 2/2 का तो सीधा मान निकल जाएगा हमसे, तो 9 की गुणा 0 से करेंगे, 0 - 2 1 2, समझ में आ रहा है ना, प्लस 3 लिखेंगे। अब फिर 3 की गुणा करो, 0 माइनस का, चलो इसे सॉल्व करते हैं, 9 में से 6 गए 3 बचे, 3 9 कितने हो गए 6, सीधा लिखते ना, फिर माइनस के, माइनस के 2 और माइनस के प्लस के 2 हो गए, लास्ट में ये माइनस का 1 का गुणा होगा 3 से तो माइनस के 3, तो 6 और 2 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, ठीक है, 8 में से 3 गए 5, आपका डिटरमिनेंट कहलाएगा ये। अगर ए है ए का सारणिक तो सारणिक का फिर कितना हो गया आपका 5, समझ में आया, 3/2 का, तो आसान है। एक आध सवाल आप खुद करके देखेंगे बहुत ईजी लगेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा, पहला अवयव 2 है, 2 लिख दिया, इस पे आने वाली रो और कॉलम हटा दी, जो सारणिक बची वो लिख दी, फिर माइनस लिखेंगे, हाँ तो अभी हम क्या कह रहे थे कि ये लिख दिया, फिर माइनस का 1 लिखेंगे। अब इसके आने वाली रो और कॉलम हटा दी, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, तो 0 2 1 9 0 2 1 9 प्लस 3, सेम वही तरीका है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो अब आप तृतीय कोटि यानी प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि के सारणिक का मान निकालना सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका एक शॉर्टकट और है तृतीय कोटि का, उसे कहते हैं सारुसीमा, ठीक है, वो सीखेंगे आप अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।